ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने कहा कि अब भलाई इसी बात में है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान अधिकृत पीओके अपने हाथों से नरेंद्र मोदी को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान की आवाम से नफरत नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकवादी और पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियों से वे नफरत करते हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने पालमपुर में कहा कि अब भलाई इस बात में है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अपने हाथों से नरेंद्र मोदी को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान का अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान की आवाम से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पनपने वाले आतंकवाद और पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियों से नफरत करते हैं। एमएस बिट्टा पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में एबीवीपी व कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फोरम की ओर से रखे गए कार्यक्रम में जम्मू कश्मीर से धारा 370 के हटाने पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ, नरेंद्र मोदी ने ही ऐसा क्यों किया, इसका मतलब साफ है कि कुछ राजनीतिक दल अपनी राजनीति के लिए ही राजनीति करते हैं ताकि कश्मीर में गोलियां चलती रहें, पत्थर बरसते रहें और जवान शहीद होते रहें और बहनों के सुहाग उजड़ते रहें। इन लोगों की ऐसी सोच के कारण ही कश्मीर में अब तक शांति नहीं बन पाई थी। बिट्टा ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी पाकिस्तान गए थे तो उन्होंने भी इसका विरोध किया था, लेकिन प्रधानमंत्री का पाकिस्तान जाना एक शांति का पैगाम देना था, जबकि मोदी के वापस आने के बाद ही पाकिस्तान ने दीनानगर व पठानकोट की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिससे मोदी ने साफ कर दिया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते और आज एक गोली का जवाब 100 गोलियों के द्वारा दिया जा रहा है। हमारे यहाँ के बीकानेर की सीमाओं की सुरक्षा करते थे, सीमा सुरक्षा एक आरएसएस का एक सेल है, मैं जाता हूँ, मुझे कभी कभी बुलाते हैं, वो सीमाओं पे सुरक्षा करते थे। अब जो जल संसाधन मंत्री है मिस्टर शेखावत, 10 साल उच्च क्षमता के जनरल सेक्रेटरी रह करके पूरे राजस्थान की सीमाओं की 48 डिग्री के करीब टेम्परेचर सुरक्षा करते रहे, और ये मणिशंकर आयर और थरमान खुर्शीद जैसे वो लोग, क्या आपको बताऊं कि वहां औरतों के साथ दारू पी के डांस करते थे, ये भारत की सुरक्षा होती रही, हमारे हिंदुस्तान की हर कुछ फाइलें वहां जाती रही। आज बताओ, हर व्यक्ति के ऊपर नजर है, पर हर व्यक्ति के ऊपर नहीं, जो राष्ट्र के खिलाफ है, जो राष्ट्र के साथ गद्दारी करता है उसके ऊपर नजर है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई हो। इतना बड़ा भारत, कहां भारत था, आज भारत का निर्माण कहां, आज भारत मां पूरी दुनिया में जानते हैं, भारत माता का दुनिया में बताओ कोई देश ऐसा है, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, बांग्लादेश, किसी के आगे मां लगता हो, एक ही देश है दुनिया के अंदर जिसका है भारत मां नाम। आगे इजराइल एक छोटा सा मुल्क है, छोटा सा मुल्क, साथ वाला मुल्क हमला करता, ठोक करके खींच करके उखाड़ के दो दिन में वापस ले जाते। अब देखा अमेरिका ओसामा बिन लदेन को कैसे ठोक के मारा, ऐसा समुद्र में फेंका कई नाव की को कब्र बना सके, इस जालम की ना उनका कोई इतिहास रहे, और खाड़ करके फेंका जब मारा बगदादी को, कुत्ते की मौत पड़ा। वो ट्रंप ने कहा आज हिंदुस्तान उस जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने खड़ा कर दिया है कि जो हिंदुस्तान की तरफ देखेगा उसका जवाब देने के लिए तैयार है। अरे चाइना जैसा कंट्री जिससे अमेरिका भी कांपता है, हमारे आए थे इधर जवान, अरुणाचल के पास उनके जवान आए थे चाइना के, बड़ा शोर मचा था, अरे चाइना कब्जा करने वाला था, हमारे जवानों को खुली छूट है। हमारे जवान अब होम मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री फोन नहीं करते, उसी वक्त मार के जफा पंजाबियों के थाल मारा चाइनीज को और बता दिया ये कल का हिंदुस्तान नहीं है, ये आज का हिंदुस्तान है। आज चाइना भी हमारे से घबराता है, जनाब कभी सोचा था चाइना चाइना से हमारे से घबराएगा क्यों,
क्योंकि हमारी सुरक्षा व्यवस्था की पॉलिसी, हमारी सीमाओं की रक्षा की पॉलिसी आज मजबूत हो चुकी है। मैं बहुत टाइम ले गया, मैं आपका भारी हूं, आपने मुझे सुना। और ये जो रोज इमरान खान कश्मीर की बात करता है, इनको जरूर कहना चाहूंगा, हे भारत तेरा हाथ एक नजारा ही रहेगा, तू किस्मत का मारा है मारा ही रहेगा, तेरे हर सवाल का जवाब करारा ही रहेगा, कश्मीर हमारा है। हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान, हमारे से निकला हुआ, फिर दिखा दी फिसरत तूने, अरे फिर जख्म पुराने खोद दिए, जिस मां ने तुमको जन्म दिया उस मां का दुमन मोच लिए, जो हमारे से निकला हुआ पाकिस्तान हमको दम क्या देता है। वो गया पाकिस्तान के दिल लद गए, और याद रखिए हिंदुस्तान जंग नहीं चाहता है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में बैठे हुए किसी आम व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हिंदुस्तान अगर खिलाफ है उन आतंकवादियों के खिलाफ है जो हिंदुस्तान में आकर के भारत माता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ नहीं, अगर आवाम के खिलाफ होते तो नरेंद्र मोदी जी कभी पाकिस्तान ना जाते। तो मैं इमरान खान जी को जरूर कहूंगा कि हाथ जोड़ करके प्यार से इज्जत के साथ पीओपी नर्स मोदी जी को अपने हाथों से छोड़ दो। इसमें मजाक वाली बात नहीं है, नहीं तो क्या करेंगे हमारे फौज का जनरल रावत जी, पहले बात तो जनरल कभी भूलता ही, और प्राइम मिनिस्टर तो कभी भूलते हैं, उनकी लिमिटेशन होती है, मैंने कौन सी हद पार करनी या कौन सी नहीं करनी। आपको बताया था ना वो कुंभ का मेला, डुबकी लगाई जब ऐसे करके निकले असली हीरो की तरह, तो रात को सर्जिकल ऑपरेशन हो गया। अब हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोदी जी ने यह बोल दिया है कि ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, पाकिस्तान का कब्जा नहीं है, हम इसको लेके रहेंगे। ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला है, ये पहले प्रधानमंत्रियों ने नहीं बोला, कर देंगे देख लेंगे हो जाएगा ना, बोल दिया तो बोल दिया, ऊपर से फौज के जनरल ने बोला है। अब ये अच्छी खबर आपको कब मिलेगी, ये कभी देखेंगे टेलीविजन के अंदर, कभी डिबेट हुई कभी देख लेना, जब कभी माहौल होगा जरूर पहले बोल दूंगा मैं, पर मुझे पता कुछ नहीं होता। और दूसरी बात और सुनिए, एक और भी खबर मिलेगी जल्दी, कब मिलेगी ये भी नहीं पता, ये नरेंद्र मोदी जी के होते हुए उनकी उम्र लंबी हो मिलेगी, पॉपुलेशन पे कंट्रोल होगा, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो हर व्यक्ति को एक अधिकार होगा, हर बच्चे को नौकरी मिलेगी, हर बच्चे की तरक्की और विकास होगा, ये वो भारत बनेगा। और एक और खबर अच्छी और भी सुन लेना, राम जन्मभूमि का भी निर्माण होगा।